हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इसके अंदर आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डीमन स्लेयर का सीजन 4 बोल तो हाशिया ट्रेनिंग आज जिसका ट्रेलर तो लॉन्च हो चुका, बल्कि एनिमे अभी लॉन्च होने में टाइम है, बल्कि मांगा बहुत पहले आ चुका है। तो वही आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोगों को शुरू मचती है कि भाई डीमन स्लेयर का हाशिया ट्रेनिंग आर्क में हुआ क्या है, तो वही आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले एक बहुत बड़ा स्पॉइलर वार्निंग बोल दे रहा हूँ कि भैया इस वीडियो में बहुत ज़्यादा भर भर के स्पॉइलर है, तो ना देखें अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस सीजन की स्टार्टिंग होती है बिल्कुल ट्रेलर से, क्योंकि डीमंस का अटैक बहुत कम हो गया था, क्योंकि अपर मून 5 और 4 के मरने के बाद से स्पोर्ट्समैन विले आर्ट में तब से बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा था, अब नॉर्मल डीमंस प्लेयर को ट्रेन कर सारे हाशिया। तो वह जो सबसे पहले हाशिया ट्रेन करते हुए फॉर्मर साउंड हाशिया टेंजन उजुई, जहाँ से टांजिरो बस 10 दिन के अंदर ट्रेन होकर निकल जाता है। इसका आता है मियोचिरो, जहाँ से भी टांजिरो 5 दिन का निकल जाता है, और बहुत सारे लोग तो भैया 10-10 दिन 20-20 दिन में भी नहीं निकल पाते। किसका आती है मिसुरी, और हाँ हर एक गेम से कुछ ना कुछ ट्रेन कर रहे थे, जैसे मिसुरी फ्लेक्सीबिलिटी ट्रेन कर रही होती है, ओवरनाइट ट्रेन कर रहा होता है कि भाई कैसे आप अपने ओपोनेंट्स को एकदम करेक्टली मार सकते हैं भीड़ में बिना अपने एलाइज को हट किए हुए, जिसके अंदर टांजिरो बहुत बुरी तरीके से पिटता है, और कभी कभी और टांजिरो का ही गलत मूव किसी दूसरे बंदे को लग जाती है, और यहाँ पर हर जगह बहुत सारे बंदे चिपके हुए रहते दीवार में दमस्ती की मदद से। इसका उसी रास्ते को टांजिरो को मिल जाता है जेनिस्यू, जो डर रहा होता है पता नहीं, और तभी वहाँ पे एंट्री होती है सानमी की, जो टांजिरो और जेनिस्यू को लेके जाता है, और उसका वहाँ पे देखते हैं कि भाई सब सानमी और सब सारे डिफेंस लेवल एकदम बुरी तरीके से मार रहा था। असल में इसके अंदर टेस्ट किया जा रहा है कि तुम कितना डैमेज टेक ले सकते हो, जिसका टांजिरो की हालत बहुत ज़्यादा बेकार रहती है। उसका वहाँ पर दिख रहा था कि सानमी का भाई इन्होंने बहस चल रहा होता है, यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। तो गाइस योमी की जो ट्रेनिंग होती है 3 भाग में बटी रहती है। सबसे पहले भाग में आपको वाटरफॉल के नीचे रहना है, दूसरे भाग में आपको लॉग्स वगैरह को मूव करना है, तीसरा सबसे हार्डेस्ट कि एक बड़े से बोल्डर को मूव करना है, जिसे देखते जेनेसु भाई पगला जाता है, और जैसे ही वो वाटरफॉल की ओर जाता है तो भाई बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, और तभी टांजो इनोस्के को देखता है तो इनोस्के बिल्कुल मूव नहीं कर रहा होता है। तभी इसका कुछ देर बाद टांजिरो रिलाइज होता है भैया इनोस्के बेहोश हो चुका है, तभी टांजिरो इनोस्के को रिवाइव करता है CPR देके, और भैया टांजिरो की हालत भी एकदम खस्ती से हो गई है रेनफॉल वाटरफॉल के नीचे रह के, और भैया यहाँ पे सबके सब पका के मच्छी खा रहे होते हैं, और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि गियोम जो स्टोन हाशिर है वो सबसे पावरफुल हाशिर है, और वो लिटरली बड़ा बड़ा बोल्डर्स को मूव कर सकता है, और टांजिरो को ये बात मजाक लग रही होती है, और भैया कैसे ना कैसे टांजिरो इनोस्के और जेनिसु वाटरफॉल के नीचे रहना और ये ऑक्स को मूव करना तो कर लेते, बल्कि लास्ट वाला जो आता है बोल्डर मूव करना बहुत हार्ड होता है, बल्कि गियोम ही कह रहा रहता है कि तुम लोग चाहो तो दोनों टास्क कंप्लीट करना, तीसरा टास्क छोड़ सकते हो ट्रेनिंग, बल्कि टांजिरो नहीं भाई मैं तो सारा ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा। फिर इसका सानमी का भाई आके बताता है कि एक टेक्निक आती है जिससे तुम लिटरली अपने नेगेटिव इमोशंस को पावर में कन्वर्ट करके बोल्डर को मूव कर सकते हो, और भाई अंतिम में ये लोग मूव भी कर लेते हैं, और तभी यहाँ पे मूजोन और ये जो है सितार वाला डीमन नाम नहीं मेरे को याद, जिसे ये टांजिरो अपने मॉम डैड की डैड रेंगोगु की डैड को याद करके मूव तो कर लेता है, जिसे देख के इनोस्के और जेनिसु भाई पगला जाते हैं पूरी तरीके से, और इनोस्के भी फिर इसका इनोस्के भी मूव कर लेता है भाई जेनिस को, तभी एक लेटर आता है जिसे जेनिसु पढ़ के एकदम सीरियस सीरियस हो जाता है, और टांजिरो की हालत तो एकदम खस्ती है, गियोमी आके उसे थोड़ा सा पानी देता है जिससे टांजिरो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, और गियोमी बोलता है कि भाई बहुत कम ही लोग ये मूव कर पाते हैं वगैरह वगैरह। इसका गियोमी अपनी बैक स्टोरी बताता है जिसे अगर आपको अगर जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, और इसका बहुत सारे हाशिरास की बैक स्टोरी बताई जाती है, अगर आपको उन सारे हाशिरास की बैक स्टोरी जानेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, बाय।
इम्प्रोवाइज ट्रेनिंग के बीच में टांगजी रसल में एक जगह आती है जहाँ पर देखते हैं कि सानवी और उसका भाई बात कर रहे थे। सानवी बोला था अपने भाई से, क्यों भाई तुम डिमन स्लेयर बने हो? तो ये सानवी का भाई बोलता है कि मैं भैया डिमन्स को खा के उनसे लड़ता हूँ। तो ये सुनते ही सानवी तुम गुस्से में आते और भाई अपने भाई की दोनों आँखें फोड़ने जा रहा। तो ये बंदा तभी टांगजी आके बचा लेता है और जनुसु बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू। और सानवी को देखती भाई जनुसु की फट जाती है और यहाँ पे सानवी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और टांगजी एक अच्छे बंदे की तरह भाई समझा रहा है कि कुछ बुरा नहीं तो कुछ अच्छा नहीं वगैरह वगैरह। और तभी सानवी गुस्सा आके एक टांगजी को इतना तगड़ा पंच देता बल्कि टांगजी उसे ब्लॉक कर लेता है और उन दोनों के बीच एकदम बहुत तगड़ी ज़्यादा फाइट होती है जिसके अंदर अंतिम डिसाइड किया जाता है कि टांगजी सानवी के यहाँ ट्रेन नहीं होगा। और वहीं दूसरी ओर जेनेसु सानवी के भाई को लेके जा रहा होता है दूर और भैया सानवी को हर एक डिमन स्लेयर नौ रोक रहे होते हैं और सानवी तभी टांगजी को कूटे जा रहा होता है एकदम बुरी तरीके से। और लास्ट हाशिडर जो ट्रेन करने वाला था वो था ग्योमी जो लिटरली भाई उन्हें वाटरफॉल के नीचे लगा रहा था जिसे देखती जेनेसु की फट जाती है। और वहीं दूसरी ओर लिटरली ग्योमी आग के ऊपर ऑक्स के बहुत सारे लॉग्स होते हैं उन्हें लिया हुआ है और उसके साथ स्टोन भी। और लिटरली जो असल में ग्योमी ट्रेन कर रहा था जिसके अंदर इन लोगों सबसे पहले वाटरफॉल के नीचे बैठे उसका ये बड़े बड़े ऑक्स को मूव करना है। और लास्ट में आता है थर्ड, तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं और थर्ड वाला पार्ट होता है कि बड़े से बोल्डर को मूव करना होता है जिसके मैं जेनेसु की हालत एकदम पच बोले तो एकदम ख़त्म टाइप हो जाती एकदम पचकी हुई पापड़ की तरह। और बहुत सारी मसल का ईयर होता है और इनोस के इतने देर से वाटरफॉल के नीचे रहता है तो ये टांगजी लगता है भाई बहुत तगड़ा मेडिटेशन कर रहा है बल्कि बाद पता चलता है इनोस के बेहोश हो चुका है बल्कि इसका टांगजी उससे थोड़ा सा CPR देता है जिससे इनोस के जाग जाता है। और भैया यहाँ पे टांगजी थोड़ा बात करता है डिमन स्लेयर से और वो लोग पके हुए मछली खा रहे होते पका के। और तभी जेनेसु देखता है कि भाई इतना बड़ा बोल्डर ग्योमी मूव कर रहता है क्या।